करनाल के तरावड़ी में पर्स चोरी करने वाले सक्रिय हैं। हालांकि पुलिस ऐसे चोरों की धरपकड़ के लिए चौकस है और पुलिस द्वारा गश्त भी बढ़ाई गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक चोर को शिकायत के एक दिन के बाद ही काबू कर लिया है। पुलिस तफ्तीश में आरोपी द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात का खुलासा भी किया गया है। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को एक पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका पर्स छीनकर कोई भाग गया है। शाम के समय पल्सर बाइक सवार दो युवक तरावड़ी में तखाना ऑटो स्टैंड के पास से महिंद्रो निवासी गांव तखाना का पर्स लेकर फरार हो गए थे। बता दें कि पर्स में दो सोने की बालियां व करीब 15,000 रुपए थे, जिस पर महिंद्रो के बयान पर थाना तरावड़ी में मामला दर्ज किया गया था। मामले की आगामी तफ्तीश सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार थाना तरावड़ी को सौंपी गई। दौराने तफ्तीश गुप्त सूचना के आधार पर एक आरोपी साहिल निवासी ललियाना को तखाना फ्लाईओवर तरावड़ी के नीचे से काबू किया गया। आरोपी द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात का खुलासा भी किया गया है। इसके अलावा आरोपी द्वारा नीलो खेड़ी के एरिया से एक चैन स्नैचिंग करने की वारदात को भी कबूला गया है। आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल पल्सर मोटरसाइकिल व दो सोने की बालियां बरामद की गई हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के दूसरे साथी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।